हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिस एजुकेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूरा लूसेंट का, ठीक है। तो थंबनेल पे आप देख ही चुके होंगे कि पूरे लूसेंट से हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का जो लिथिक एज होता है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है पूरा पढ़ते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा लूसेंट का है इसलिए कुछ अदर मैंने इसमें लगाया नहीं है, ठीक है। तो अपन लूसेंट की बुक ही कवर कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, मैं पेन ले लूँ। देखो, लिथिक एज, द स्टोन एज, लिथिक एज जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, जो कब से स्टार्ट हुआ, 30 लाख BC से 1000 BC तक, ठीक है। अब इसमें क्या, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको। About early period of human, some archaeological evidence were found in which stone implement are a great amount, ठीक है। क्या हुआ कि जो archaeological survey होता है उन लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें उनको प्राप्त हुई, ठीक है। जैसे lithic age, जिसे हम stone age भी कहते हैं, इसे हमने तीन भागों में बांटा। पहला paleolithic age, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पेलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, मीज़ोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक एज जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में दे रखा है तो आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नेम ऑफ द पीरियड, मतलब कौन सा पीरियड है और उसमें क्या क्या हुआ। देखो, नेम ऑफ द पीरियड में क्या होता है कि इसमें जो आता है नेम ऑफ द, पहले पेलियोलिथिक एज आता है, मीज़ोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक आता है, न्यूलिथिक एज आता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है, देखो जो पेलियोलिथिक एज होता है उसका टाइम पीरियड है 30 लाख BC से 10000 BC, ठीक है, ये, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर 30 लाख से 10000 BC। फिर लाइफ कैसे, ये हंटर का, हंटरिंग करते थे और क्या करते थे, फूड को गैदर करते, मतलब शिकार करते थे और फूड को इकट्ठा करते थे। और किस किस टूल्स को, जैसे चोपर हो गया, चोपिंग हो गया, क्लीवर हो गया, वो फ्लैग टूल्स, कुछ आग जलाने वाले, कुछ ब्लेड टूल्स, कुछ हाथ जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, ये रखते थे। उसके बाद आता है मीज़ोलिथिक। मीज़ोलिथिक कब आता है, देखो 30 लाख BC से 1000 BC तक पेलियोलिथिक एज, फिर आता है 9000 BC से 4000 BC तक क्या, मीज़ोलिथिक एज आ जाता है। इसमें क्या होता है, हंटिंग होती है और हार्डर होता है, ठीक है। अब जो न्यूलिथिक एज आता है वो कब से चलता है, तो 7000 BC से लेके तो 1000 BC तक वो चलता है, जिसमें क्या, फूड को इन लोगों ने प्रोड्यूस करना सीखा कि फूड कैसे क्या पैदा करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसका, ठीक है, और पॉलिश्ड इंप्लीमेंट्स किया। तो अपन पहले पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एज, उसके बाद सेकेंड वाली क्लास में मीज़ोलिथिक और न्यूलिथिक अपन कर देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ये देखो, पेलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, जो कि 30 लाख BC से 1000 BC तक है। द टर्म पेलियोलिथिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, देखो जो पेलियोलिथिक वर्ड है ना वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से बना हुआ, एक है पेलियो यानी कि होता है ओल्ड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो पेलियो यानी कि हो जाता है ओल्ड, और लिथिक मतलब हो जाता है स्टोन, ठीक है। तो ये हो जाता ओल्ड स्टोन एज। इसमें इन लोगों ने क्या किया कि देखो मैं पढ़ देता हूँ, थस द मीनिंग ऑफ पेलियोलिथिक एज इज द ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया, द क्रेडिट ऑफ सिस्टमेटिक डिस्कवर ऑफ पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स गोज टू रॉबर्ट ब्रूस। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे पहले पेलियोलिथिक एज का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ उसमें सबसे पहली बार किस आदमी ने उनके जो मटेरियल्स होते हैं उन लोगों को प्राप्त किया था, मतलब देखा था, तो कौन है, रॉबर्ट ब्रूस है। कौन, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। फूड, ए जियोलॉजिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिस्कवर्ड है पेलियोलिथिक इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कौन आ जाएगा, यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस आ जाएंगे। आगे चलते हैं, हैंड एक्स इज ए ग्रेवल पिट पल्लवरम इन चिंद्रग्रेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट इन 1863। 1863 में तमिलनाडु की चिंगरीपुट में जो पल्लवर, मतलब चिंगरीपुट डिस्ट्रिक्ट में पल्लवरम एक जगह है, वहाँ पर इनको क्या मिला था, एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। इज नोन एज लेदर ऑफ सेकेंड हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल इन 1982 अरुण सोनाकिया। फिर उसके बाद किसने देखा, अरुण सोनाकिया ने, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड ए वुमेन स्कल फ्रॉम हथनोरा, ठीक है, हथनोरा से इन्होंने किया था, ए प्लेस सिचुएटेड ऑन ओसीबीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य
प्रदेश नर्मदा रिवर वैली ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश में ही यहाँ पर इन लोगों ने इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, एक जो महिला थी उसका स्कल यानी कि जो खोपड़ी होती वो इनको प्राप्त हुई थी, किसको, अरुण सोलंकी को। दिस इज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट बिकॉज ड्यू टू दिस इंडिया प्लेस ऑफ ग्लोबल मैपिंग फाइंडिंग साइट्स ऑफ वुमेन फॉसिल। ठीक है, मतलब जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है जो कि यहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हुई वगैरह ये लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अरुण सोनाकिया दिस हुमन स्कल्स बिलोंगिंग टू कैटेगरीज ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, प्लेरिथिक ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो वो तो अपना हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपना आता है प्लेरिथिक ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, मैं एक सेकेंड वापस पेन बड़ा कर लेता हूँ। देखो, फूड, द लाइफ ऑफ प्लियोलिथिक पीपल वॉज टोटली प्रिमिटिव, देयर वर लार्जली डिपेंडेड ऑन हंटिंग एंड नेचर गिविंग थिंग्स। ये लोग पहले क्या करते थे, जो फूड है उस पर पहले क्या करते थे कि हंटिंग पर सिर्फ डिपेंड होते थे। ठीक है, कि किसी को मारना है और उसको खाना है। ठीक है, लार्जली मतलब बहुत बड़े उसमें इस पर ही डिपेंड होते थे। देयर फूड वर मीट, फ्रूट और रूट। ठीक है, ये क्या क्या खाते थे, मीट खाते थे, फ्रूट खाते थे और की पेड़ों की जड़ें खाते थे। दे डिड नो हाउ टू ग्रो ग्रेन। ठीक है, ये कुछ भी ग्रेन यानी कि अनाज और वेजिटेबल्स को उगाना नहीं जानते थे। देयर फूड वॉज नॉट कुक्ड। इन लोगों ने देखो प्लियोलिथिक एज में इन लोगों ने आग जलाना नहीं सीखा था। ठीक है, तो ये भोजन को पका भी नहीं सकते थे। एंड देयर नॉट क्लोथ सेवन, ये कपड़े भी नहीं पहनते थे। ठीक है, क्यों, कपड़े थे ही नहीं। एंड दैट नॉट हाउस, इन ना ही इन लोगों के पास क्या था, घर था। सीन दैट डिड नॉट फैमिलियर विथ यूज ऑफ फायर, दे एट रो मीट फ्लैश आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड एनी टाइम बिटवीन, जो कि हाँ 2 लाख BC से 1 लाख BC दे डिस्कवर्ड द फायर। क्या हुआ कि 2 लाख BC से 1 लाख BC में इन लोगों ने क्या किया, डिस्कवर्ड क्या कर लिया, फायर का डिस्कवर्ड यानी फायर को खोज लिया। द डिस्कवर्ड ऑफ फायर ऑफ इनोवेशन और कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर वॉज एक्सीडेंटल। क्या किया, एक्सीडेंटली, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, जो बम्बू होता है ना, जो बांस इनको लोगों को घिस रहे थे और पत्थर को फेंक रहे थे, तो अचानक उससे आग उत्पन्न हुई, तो वो एक्सीडेंटली इनको उत्पन्न होगा 2 लाख BC से 1 लाख BC में। द स्ट्रिकिंग टुगेदर टू पीस ऑफ क्वार्टाइज स्टोन प्रोड्यूस, देखो टू पीस ऑफ क्वार्टाइज स्टोन प्रोड्यूस, क्वार्टाइज मतलब ये हो जाता है स्टोन के जो टुकड़े होते हैं, स्पार्क, स्पार्क यानी कि ठोकना, विच वैन इज टच ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स बर्स्ट इन फ्लैम। क्या किया, जब ये लोग वहाँ बैठे थे आपस में पत्थर को ठोक रहे थे, तब क्या हुआ, इनसे आग उत्पन्न हुई। आग उत्पन्न होने के बाद जो वहाँ पर सूखी पत्ती थी और जो ट्विंग्स वगैरह थी, मतलब जो टहनियाँ वगैरह, वो जल गई। ठीक है, दिस इज़ द वे दे लर्न टू मेक फायर, तो इससे उन्होंने क्या किया, आग जलाना सीख लिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ फायर दे वर इन पोजिशन टू कुक फ्लैश ऑफ एनिमल। ठीक है, फिर इन लोगों ने क्या किया कि जो एनिमल वगैरह होते हैं उनको फिर कुक करना स्टार्ट किया। कीप द प्रीडेटर एनिमल्स अवे फ्रॉम सेल्टरिंग एंड रेस्टिंग पैलेस, थस द डिस्कवर ऑफ फायर मेड सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग दिस मैन। ठीक है, आगे वाले चलते हैं। कवरिंग द बॉडी, अब इन लोगों ने कपड़े, कवरिंग द बॉडी मतलब कपड़े, अब इनके कपड़ा का क्या हालचाल है, देखो देखते हैं। प्रीमिटिव मैन हैड लिटिल केयर अबाउट क्लॉथ, व्हेन द वेदर वॉज वार्म लिटिल क्लोथिंग वॉज रिक्वायर्ड। इन लोगों ने क्या किया कि जो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, जैसे कि क्या केल वगैरह के पत्ते रहते हैं या फिर इनके पत्ते रहते हैं, उनको लपेट लेते थे। इन रेनी और विंटर सीजन डेवरेप्ड द स्किन ऑफ एनिमल, ऐसे तो लपेट लेते थे, बट अगर वर्षा ऋतु आ गई या फिर देखो विंटर यानी कि सर्दी वाला आ गया, तो ये क्या करते थे, जो जानवरों की खाल रहती है ना उसको लपेट लेते थे। ठीक है, लार्जली लीव्स ऑन देयर बॉडीज एज क्लॉथ। ठीक है, अब ड्वेलिंग, दे डू नॉट सेटिंग ड्वेलिंग प्लेस एंड यूज द लाइफ एंड वंडर्ड, वेन इन नीड दे यूज टू टेक शेल्टर्स इन कैप्स फॉरेस्ट लीफी ब्रांच एंड लार्ज ट्रीज। तो ये कहाँ पर रहते थे, कोई लार्ज ब्रांच रहती थी पेड़ों की, वहाँ पर रेस्ट करते थे जंगलों में, या फिर केव्स इन शेल्टर्स, मतलब केव के अंदर रहते थे, जैसे ऊपर से लटके रहते थे, वहाँ पर उसके नीचे ये पर जीवन यापन करते थे। इन सम केव्स लाइक भीमबेटिका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, रीमेन इन पेंटिंग आर फाउंड। ठीक है, जैसे भीमबेटिका में इन लोगों की ये जो वहाँ पर रेस्ट करते थे, उन लोगों ने जब पेंटिंग बनाई तो वहाँ पर इनकी पेंटिंग प्राप्त हुई। विच इज एसर्टेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लियोलिथिक एज, एग्जाम्पल अपर लेटर प्लियोलिथिक एज। ठीक है, दिस क्लैरिफाई द रॉक पेंटिंग हैड अपर प्लियोलिथिक एज, जो इसका जो पूरा क्लैरिफाई हुआ ना वो प्लियोलिथिक एज में हुआ, बट प्लियोलिथिक एज में कब हुआ,
अपर पेलियोलिथिक एज में इसका हुआ। आगे अपन ये लूसेंट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आ जाता है ओनली फूड कंज्यूमर इन दिस प्रिमिटिव एज ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के इस प्रिमिटिव काल में इन लोगों ने क्या किया, मैन नाइदर न्यू एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप कल्टिवेशन नॉर मेकिंग पोटेरीज। ठीक है, इन लोगों ने अब क्या किया, क्रॉप को कल्टिवेशन सीख लिया, एनिमल्स को पालना सीख लिया। इन दिस एज में इन वर फूड गैदर्ड एंड हिज फूड सप्लाई द लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर। ठीक है, मतलब फल फूलों को खाते थे वो लार्जली उन्हीं को उन्हीं फल फूल पर ही डिपेंड रहते थे ये लोग। इट मीन्स देर नो कंज्यूमर ओनली फूड स्टफ्स, मतलब ये पूरे स्टफ्स फूड पे ही डिपेंड नहीं रहते थे। दे डोंट बिकम फूड प्रोड्यूस एट ये साइम भी फूड प्रोड्यूस करना नहीं कहीं ही कर सकते थे। देर वर नो स्पेसिफिक डिफरेंस इन लाइफ स्टाइल ऑफ मेन्स, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लाइफ स्टाइल जो मेन्स की थी उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। वाइल्ड एनिमल्स मैन ऑफ दिस एज वर मैनली इन नेग्रोएट डिस्पोजल ऑफ द डेड पर्सन। अब ये डेड पर्सन को क्या करते थे, जो आदमी मर जाता था उनका क्या करते थे, तो अब देखिए क्या करते थे। दे वर अनवेयर ऑफ फनरल राइट्स ऑफ द डेड पर्सन, जो मरा हुआ आदमी होता था उसका कोई राइट्स नहीं, रीट्स नहीं थे। रीट्स का मतलब कि अपन जैसे कि बहुत कुछ करते हैं ना, जैसे मतलब कार्यक्रम वगैरह करते हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बस जस्ट ले जाते थे और गाड़ देते थे उसे। ठीक है, दे लेफ्ट द डेड पर्सन ओपन स्पेस विदाउट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटीज, मतलब ओपन स्पेस में पहले बाद में गाड़ने लगे, पहले क्या करते थे, जैसे पटक दे पड़े रहने देते थे। ठीक है, वेयर द कार्पस डेड पर्सन कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, फिर उन्हें क्या करते थे, जो बर्ड्स और एनिमल्स होते वो लोग खाते थे। ठीक है, अब आते हैं, ये वही है। ठीक है, अब आता है प्लियोलिथिक इम्प्लीमेंट, कि इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कब किया, किस चीज़ पे कब इम्प्लीमेंट किया। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्टोन इम्प्लीमेंट, स्टोन पत्थर में कब इम्प्लीमेंट किया। प्लियोलिथिक पीरियड इज डिवाइड इंटू थ्री एजेस, देखो लोअर एज प्लियोलिथिक एज, मिडिल प्लियोलिथिक एज, अपर एज। देखो जो लोअर होता है उसे अर्ली प्लियोलिथिक एज बोलते हैं, जो मिडिल होता है उसे मिडिल ही बोलेंगे। ठीक है, एंड अपर बोलेंगे। ठीक है, मिडिल एंड अपर प्लियोलिथिक एज, मिडिल एंड अपर को लेटर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, सॉरी लोअर अर्ली प्लियोलिथिक एज ये कब चला, 30 लाख BC से, तो 10 नहीं है, 1 लाख BC तक चला। ठीक है, इसमें क्या है, चोपर चोपिंग हैंड एक्स एंड कुल्हाड़ी वगैरह का इम्प्लीमेंट किया। अब मिडिल में आए, तो मिडिल में इन लोगों ने क्या किया, जो 1 लाख से अपन 40,000 BC पे आए, तो आग जलाना सीख लिया। अपर पेलियोलिथिक एज में इन लोगों ने क्या किया कि आग पर कैसे इंप्लीमेंट्स करते हैं, कैसे काबू पाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें इन लोगों ने सीख ली। आते हैं लोअर अर्ली पेलियोलिथिक इंप्लीमेंट्स। लोअर पेलियोलिथिक प्यूपिल यूज्ड क्वार्टिलाइज, क्वार्टाइज मतलब होता है एक टाइप का स्टोन, एंड अदर स्टोन मैक इंप्लीमेंट्स। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, जो पत्थर होते हैं पत्थर से वेपन्स यानी कि हथियार बनाने सीखे, कैसे क्या बनाते हैं। ऑन द बेसिस इंप्लीमेंट टाइप ऑफ स्प्रिट रीजन कल्चर्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक पीरियड आर डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, एक चोपर चॉपिंग पेबल कल्चर, जिसे हम सोहन कल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोहन कल्चर कैसे कहा जाता है, चोपर चॉपिंग पेबल कल्चर को, एंड हैंड एक्स कल्चर जिसे मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है। देखो चोपर चॉपिंग पेबल कल्चर क्या होता था, इंप्लीमेंट ऑफ देयर कल्चर वर फाउंड फर्स्टली फ्रॉम सोहन रिवर वैली ऑफ वेस्ट पंजाब पाकिस्तान, जो पहले वेस्ट पंजाब था अब उसे हम पाकिस्तान कहते हैं। तो पाकिस्तान में क्या था, एक सोहन रिवर वैली थी। ठीक है, तो ये पहले वहीं पर प्राप्त हुआ था, इसलिए हमें इसे अब चोपर चोपर सोहन रिवर सोहन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो आता है पेबल, ए पीस ऑफ रॉक क्या होता है, पेबल क्या होता है, एक जो रॉक होता है मतलब चट्टान का एक टुकड़ा होता है एज। ठीक है, वो चॉपिंग पेबल सिंगल एज होती है, पेबल होता है। ठीक है, एक सिंगल एज टुकड़ा होता है और ये चॉपिंग होती है। मीन्स कि आपको अगर PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। हैंड एक्स कल्चर, द इम्प्लीमेंट ऑफ दिस कल्चर वर फाउंड फर्स्टली एट बदमादुरई एट अट्टिकमपुरई ऑफ मद्रास। ठीक है, हैंड एक्स कल्चर कहाँ पर प्राप्त हो इन लोगों को, बदमादुरई अतिरामपुक्कम ऑफ मद्रास में इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, मद्रासियन कल्चर में। ठीक है, हैंड एक्स, हैंड एक्स हैज़ बीन जनरली मेड बाय कोर एंड फ्लैक मेथड, आफ्टर बैकिंग द स्टोन इंटू पीस, द लार्जली पीस इज नॉन एज कोर एंड स्मॉलर पीस एज फ्लैक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हैंड एक्स वॉज मेड थिक एंड। ठीक है, देखो क्लेवर क्या रहता है, जो क्लेवर होता है ना वो बार्क्स ऑफ ट्रीज रहती है, जो पेड़ होते हैं ना, देखो एनिमल की स्किन्स वगैरह या फिर पेड़ों की जो बार्क्स एंड छाल वगैरह रहती है उससे क्लेवर बनाते थे। स्क्रेपर क्या होता है, स्क्रेपर वाई यूज द स्क्रेप फ्लैक,
बार्क्स ऑफ ट्रीज, ये भी क्या रहते हैं, उनसे ही बनते थे, जो पेड़ों की छाले और एनिमल से, एनिमल की स्किन से बनते थे। अब लोअर अर्लियर पेलियोलिथिक साइट्स, देखो तो यहाँ पर साइट्स लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा स्टेट वाइज साइज। पंजाब में कहाँ पर है जो लोअर पेलियोलिथिक है, सोहन रिवर वैली, पिंडी, गेब, आदियाल, कसारका, ठीक है, जो कश्मीरी वो लीडार रिवर वैली में, हिमाचल प्रदेश में व्यास वेनगंगा रिवर वैली है, गुलेर देहरादून है, याद आए कंगारा ITC, सिरसा रिवर वैली है, ठीक है, राजस्थान में चंबल रिवर वैली है, सोनाती, बेंसोगढ़ ATC है, गुजरात में साबरमती रिवर वैली है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में भी, यहाँ नर्मदा रिवर वैली है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे को आप बता दिए वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब देखते हैं अपन मिडिल पेलियोलिथिक एज में क्या होता है। द चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल इन दिस एज वॉज फ्लैग, द इम्प्लीमेंट मेड फ्रॉम फ्लैग्स वर स्क्रेपर, बुरनी, बोरर, ATC। ड्यू टू एक्सटेंसिव वर इम्प्लीमेंट मेड फ्रॉम फ्लैग, मिडिल पेलियोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड फ्लैग कल्चर। तो मिडिल पेलियोलिथिक एज को अपन क्या कहते हैं, फ्लैग कल्चर कहते हैं। इसमें क्या क्या है, इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया कैसे, फ्लैग के ऊपर, ठीक है। इन दी मेकिंग ऑफ दिस इम्प्लीमेंट गुड क्वालिटी ऑफ क्वाड स्टोन, इन लोगों ने क्या किया कि किस टाइप से अच्छी आग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे दो पत्थर को आपस में रफ करने से, मतलब ठोकने से किस टाइप से अच्छी क्वालिटी की आग प्राप्त होती है। द प्रीसियस स्टोन लाइक चार्ट, जस्पर, फ्लिंट वर आल्सो यूज इन प्लेंटी मैक इम्प्लीमेंट। अब देखो मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, तो ये मिडिल पेलियोलिथिक जो अफगानिस्तान में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, तो यहाँ पर अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपने पूरा लूसेंट में आपको कवर करने वाला हूँ, अभी स्टार्टिंग की हुई है। ये मध्य प्रदेश का है, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल का है, आपको ये भी आप पढ़ लीजिएगा। देखो अपर लेटर पेलियोलिथिक एज जो लास्ट है अपन क्लास कल होगी, द चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल ऑफ दिस एज वर फ्लैग ब्लेड, द वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट वर मेड फ्रॉम फ्लैग ब्लेड इन विच ब्रूनी इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू टू एक्सटेंसिव ऑफ इम्प्लीमेंट मेड फ्रॉम फ्लैग ब्लेड द अपर लेटर पेलियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैग ब्लेड। इन द मेकिंग ऑफ दिस इम्प्लीमेंट द प्रीसियस स्टोन लाइक चार्ट, जस्पर, फ्लिंट, ETC वर यूज इन दिस एज। बिसाइड स्टोन्स बोन हॉर्न्स मेड इम्प्लीमेंट आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो बोन हॉर्न्स होते हैं, मतलब जो हड्डियाँ होती हैं उनके, जो सिंग टाइप बने रहते हैं ना, उनके सिंग टाइप बना, मतलब जो बोन्स होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, हॉर्न्स टाइप, जो सिंग होता है इस टाइप बना रहते हैं। बिसाइड ऑन दीज इम्प्लीमेंट्स वर मेड मेनली फ्रॉम लॉन्ग बोन्स, मतलब इसमें क्या हुआ कि लॉन्ग लंबे लंबे बोन्स इनको प्राप्त हुए हैं। हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के सींग, अप टिल नाउ टू मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट वर फाउंड द मच्छताला चिंता मा नूगावी सेल्टर्स इन आंध्र प्रदेश। ये चीज़ें कहाँ पर इनको प्राप्त हुई, ये चीज़ें इनको आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपन इसके अब न्यूलिथिक है जो, जो मिजोलिथिक है जो, वो अगली क्लास में लाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी, अगर आपको वैकेंसीज या फिर ट्रिक्स टिप्स या अगर ये इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।